बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। दिस इज़ मोहम्मद सलमान, चीफ एग्जीक्यूटिव एम एस ओ मार्केटिंग। अभी मैं मौजूद हूँ खैबर सिटी के बिल्कुल सामने। ये मस्जिद है, यहाँ पे नमाज़ पढ़ी है। तो अभी जो मैसेज है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये गौर से ज़रा सुन लें सारे व्यूअर्स जितने भी हैं। किंगडम वैली, ब्लू वर्ल्ड सिटी, खैबर सिटी। खैबर सिटी कहाँ पर है ये आप लोग देख सकते हैं। ये मेन यहाँ पर, ये पेशावर की तरफ जा रहा है, ये मेन रोड है, जीटी रोड। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला इस्लामाबाद की तरफ जा रहा है, ये होटल्स। ठीक है, देखें आप सब सुन लें। यहाँ पे ये जो खैबर सिटी है ना, ये आती है बुरहान और हसन अब्दाल में। ये मेन रोड है, आप देख सकते हैं गाड़ियाँ जा रही हैं। तो ये बार बार जो है ना, लोग पूछते हैं कि यार ये है कहाँ पे। तो यार ये है बुरहान, बुरहान इंटरचेंज से उतरेंगे तो साथ ही हसन अब्दाल और बुरहान का ये एरिया है, ये मेन रोड है। तो मैं फेवर दूंगा आप लोगों को किंगडम और ब्लू वर्ल्ड के बजाय, ये बहुत बेस्ट है। क्यों बेस्ट है? क्योंकि ये मेन रोड के ऊपर है और आप लोग, ये आप लोगों के सामने है होटल, सब कुछ, मसाजिद, पानी, कोई इशू नहीं है, नेवर। बेसिकली हमारे पठानों के लिए तो बहुत ही मुफीद है, बहुत बेस्ट है, ये बहुत ही अच्छा है। ठीक है, तो फिर कोई भी ये ना कहें कि यार खैबर सिटी इस्लामाबाद के अंदर लेके आओ, मैं नहीं लेके आ सकता भाई। ये इस्लामाबाद से 30-31 किलोमीटर के फासले के ऊपर है। ठीक हो गया, ये माइंड में रख लें। और ब्लू वर्ल्ड सिटी और किंगडम वैली इस्लामाबाद से 44-45 किलोमीटर के फासले के ऊपर है। ठीक है ना, वो भी इस्लामाबाद से दूर है, ये भी इस्लामाबाद से दूर है, पर ये कम दूर है। और फेवर इसीलिए दे रहा हूँ कि ये मेन जीटी रोड है, आपके पास गाड़ी है, नहीं है, नो नेवर, कोई इशू नहीं है। आपको एनी टाइम ऑन द स्पॉट रात के टाइम भी आपको गाड़ियाँ मिल जाती है, क्योंकि ये मेन जीटी रोड है। ठीक है ना, तो ब्लू वर्ल्ड सिटी वहाँ पे आपको किसी भी टाइम गाड़ियाँ नहीं मिल सकती, किंगडम वैली। ठीक है, तो ये आप बखूबी जो है ना समझ जाए होंगे कि यार मैंने आप लोगों को ये मैसेज क्यों दिया। तो माइंड में रख लें, दिमाग में रख लें ये बातें। ठीक है, और ये सूरत हाल मैंने आप लोगों के साथ शेयर की, बहुत ही इंपॉर्टेंट था, क्योंकि लोगों को जब हम विज़िट करवाते हो कहते हैं सर ये तो इस्लामाबाद नहीं है। तो मैं क्या करूँ, इस्लामाबाद नहीं है, इस्लामाबाद वाले फिर इस्लामाबाद का रेट भी होता है, ये भी दिमाग में फिर डालें। अब मैं आपको कहूँगा पार्क व्यू में आ जाएं, कैपिटल स्मार्ट सिटी में आ जाएं, ताज रेजिडेंशिया में आ जाएं, रहमान इनक्लेव में आ जाएं, रावण इनक्लेव में आ जाएं, आ जाएंगे, नहीं आ सकते, हर एक बंदे का वो काम नहीं है। तो ये थोड़ी बहुत आउट पाउट जो सोसाइटीज़ है ना, होने से तो ये भी बेहतर है ना। खुदा के बंदो, अगर आप लोगों का कहीं घर बन जाता है तो अच्छा नहीं है, 40-45 किलोमीटर भी दूर है। अगर एक बंदा इस्लामाबाद से 500 किलोमीटर दूर है, ठीक है, अगर वो 500 नहीं, 300-400 भी दूर है, 200 भी दूर है, अगर वो 50-30 किलोमीटर दूर हो जाता है तो बेटर नहीं है। तो यार इस पे फोकस करें और अल्लाह का वास्ता है। यार ये देखिए यहाँ पे भी गैस का भी जो है ना वो इशू नहीं है, गैस भी यहाँ पे है, मौजूद है सारा कुछ। तो फिर ये ना कहें कि आप जो है ना खैबर सिटी को उठा के इस्लामाबाद में लेके आओ, तो मैं नहीं लेके आ सकता, वो है ही नहीं इस्लामाबाद में। वो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि बुरहान में है और उधर है हसन अब्दाल में। और इसी तरह न्यू सिटी जो है भाई, वो भी न्यू सिटी वाकई टेक्सला में है, इस्लामाबाद में नहीं है। प्रोजेक्ट बहुत ब्रांडेड है, कोई शक नहीं है इसमें, लेकिन भाई वो नहीं है ना, मैं क्या करूं। तो हाँ, ये न्यू सिटी फेस 3 बहुत बेटर लोकेशन, एम जो सीपैक रोड है उसके ऊपर है, और फतेह जंग रोड टॉप और मुमताज़ से निकल के तो साथ ही है। तो ये मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है, शेयर करें लोगों के साथ। और आप लोगों के माइंड में ये बात होनी चाहिए कि ब्लू वर्ल्ड कहाँ है, किंगडम वैली कहाँ है और खैबर सिटी कहाँ है। बजाय किंगडम, बजाय ब्लू वर्ल्ड, खैबर सिटी बहुत बेटर है, इंतहाई मैन के ऊपर सब कुछ इसके बेहतर है। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।